रूपनगर इलाके दे विच प्रवासी महिला ने सरपंची चोणां दे विच बाजी मारी है जी। एक तो है ना कुर्सियां लगवानी अपने हर गली के अंदर और लाइटों की भी काफी कमी है। जो कुछ हुआ है, जो कुछ बकाया है, अब की करेंगे, जो सड़कों का है, रोड का है, अगर सरकार गनरैंड देगी ना तो मैं एक एक फिल्टर लगवाऊंगी। मोहल्ले में लोगों को पानी के लिए दिक्कत होती है, सबसे स्वच्छ तो पानी जरूरी है। प्रधान की याद करते हो, बेटे को पंच बना दिया। कोई बात नहीं सर, अब हम भी पहले पंच थे, अब बच्चों की टाइम आ गया है, बच्चों का ही सब करना चाहिए। तो उस कूड़े का हमारा समाधान ये भी, हम मतलब की सरकार से कोई गाड़ी की डिमांड करना चाहते हैं ताकि कूड़ा घर घर से उठाया जाए और जो इधर उधर फूकते उनको भी हम समझाएंगे। सूबे भर च हुई पंचायती चोणों के चलदिया लुधियाणा के रूपनगर इलाके दे विच प्रवासी महिला ने सरपंची चोणों के विच बाजी मारी है और मुन्नी देवी उन्हां दा नाम है और लुधियाणा के रूपनगर इलाके दे विच खड़े हैं। हालांकि गल करिए यूपी बिहार अते हरियाणा तो जिहड़ी है पंचायत इस मैंबरां दे नाल जिहड़ी है शामिल हैगी और सरपंच मुन्नी देवी भी उन्हां दे नाल ने मूँह मिठा करा रहे ने। तां गलबात करांगे मुन्नी देवी जी दे नाल, किवें देखदे हो जी सरपंच चुन लिया गया, किन्नियां वोटां दा फर्क सीगा और किस तरीके दा मुकाबला सी? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा है। जो भी किन्नी किन्नी कितनी वोट से आप जीते हो? 470। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या मुद्दे डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या मन में है कि ये करने हैं जी? करना तो बहुत कुछ है, सोचा तो हुआ बहुत कुछ है, पर आगे ग्रांट के ऊपर अभी जैसे सरकार देंगे उसके हिसाब से करेंगे। कहाँ के रहने वाले हो आप? हरियाणा के। हरियाणा के, हाँ जी। तो आपके जो साथी है वो कहाँ कहाँ के, थोड़ा सा वो बताओगे? यूपी के जी, थोड़ा अपने पंजाब के हैं। और तो इनके साथ मिलजुल के काम करेंगे। क्या क्या डिमांड्स आई है? ज़्यादातर बताया जा रहा है कि यहाँ प्रवासी लोग काफ़ी ज़्यादातर रहते हैं, काफ़ी उनकी डिमांड्स है जैसे, हाँ जी, हाँ जिक्र कर रहे थे जी सर। इनकी डिमांड है पूरी कराने की कोशिश तो जरूर करेंगे जी। आगे MLA के हाथ में जो ग्रांटे देंगे उनके साथ मिल के चलेंगे तो सोचेंगे भाई कुछ कराएं जी। कितना अगर डेवलपमेंट को लेकर बात की जाए, कितना काम अभी अधूरा है जो मन में है कि ये पूरा करना है जी? एक तो है ना कुर्सियां लगवानी अपने हर गली के अंदर और लाइटों की भी काफ़ी कमी है वैसे जी। काफ़ी है जो हमने पूरी करानी है जो जी। माता जी क्या नाम है? और सावित्री देवी। सावित्री देवी, हाँ जी। पंच चुने गए हो? हाँ नहीं, पंच मेरे बेटा है। पंच बेटा, हाँ पंच बेटा है, मैं उनकी माता जी हूँ। हाँ ये चौथा इलेक्शन मैंने लड़ा इस मोहल्ले में। हाँ कहाँ के रहने वाले हो? अमेठी क्षेत्र। अमेठी, यूपी अमेठी। तो कैसे, क्या क्या दिक्कतें थी और अभी आपने जो महिला सरपंच बनाए हैं क्या लगता है, क्या उम्मीदें थी और क्या क्या होने वाला है? जो कुछ हुआ है, जो कुछ बकाया है, अब की करेंगे, जो सड़कों का है, रोड का है, अगर सरकार गनरैंड देगी ना तो मैं एक एक फिल्टर लगवाऊंगी। मोहल्ले में लोगों को पानी के लिए दिक्कत होती है, सबसे स्वच्छ तो पानी जरूरी है। अगर सरकार मुझे ग्रांट देगी तो मैं एक एक गलियों में एक एक फिल्टर लगवाऊंगी सबके लिए। हाँ मेरी अरमान यही है, बाकी जो गलियाँ बाकी हैं वो करूँगी, बकाया जो है वो काम पूरा करेंगे, जो थोड़ी से लेटे फेटे खराब हो गए इनकी रिपेयरिंग करवा। प्रधान की याद करते हो? प्रधान की याद करते हो, बेटे को पंच बना दिया। कोई बात नहीं सर, अब हम भी पहले पंच थे, अब बच्चों की टाइम आ गया है, बच्चों का ही सब करना चाहिए, अब ये नई पीढ़ी आगे जानी चाहिए, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हम कहाँ तक तुरते रहेंगे। कितने परसेंट की आबादी अगर बात की जाए प्रवासी लोगों की यहाँ पर है? 70-75 होगी। हाँ हाँ हाँ, इतनी है। क्या कह रहे थे जी आप, कुछ बोल रहे थे, यहाँ पर कुछ समस्या है जिसको हल करना है? समस्या ये है सर कि जैसे कूड़े का हमारा है तो लोग इधर उधर प्लाटों में कूड़ा जलाते हैं तो उससे गंदगी फैलती है, कूड़ा फेंकते हैं प्लाटों में, कूड़ा फेंकते हैं, तो उस कूड़े का हमारा समाधान ये भी, हम मतलब कि सरकार से कोई गाड़ी की डिमांड करना चाहते हैं ताकि कूड़ा घर घर से उठाया जाए और जो इधर उधर फूकते उनको भी हम समझाएंगे, हम अपने तरीके से समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो हम समझाएंगे उनको अपने तरीके से समझाना हमने भाई, मतलब गंदगी फैलेगी, मच्छर होंगे, हमारे बच्चे बीमार होंगे, ये सब बातें उनके दिमाग में हम डालेंगे। हमारा यही वादा है जनता से भी, भाई हम कूड़े का जल्दी से जल्दी खात्मा करेंगे, समाधान करेंगे। तो और अगर बात की जाए, कुछ समस्या महिलाओं की थी वो भी जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर चोरियों का जिक्र कर रहे थे, तो उसको लेकर भी स्ट्रेटजी बनाने की बात कर रहे हैं कि गेट लगवाएंगे,
सर चोरी का तो कोई ऐसा मामला नहीं है हमारे नगर में, हमारा नगर सेफ है। अभी आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दीजिए, कल सवेरे तक बिना चाबी के आप खड़ी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हमारे मोहल्ले में। लेकिन हाँ, गेट की बात यह है भाई, गेट जैसे हमने लगवाने हैं तो रात को जैसे गाड़ी वगैरह सेफ्टी रहे वो अलग बात है, गेट से ये अभी सुविधा अच्छी रहेगी। हाँ जी। सो साफ तौर पर महिला सरपंच मुन्नी देवी उन्होंने नाल जिहड़े साथी ने वह भी प्रवासी ने, तो यह पिंड रूपनगर कहा जा सकता है कि नगर है, उत्थे दी जिहड़ी पंचायत चुनी गई है, और जिहड़े मुढ़ले कम्मां दा उन्होंने जिक्र किया कि पिंड दे विच इत्थे जिहड़ा इलाके दे विच जिहड़े जिहड़े विकास होण वाले ने उन्हां ते पहल दे आधार ते जिहड़ा जोर देणगे, और इस दे नाल नाल उन्होंने डिमांड की है कि जो कूड़े की समस्या हैगी उस नूं लै के यह एक मुख मुद्दा है जिस नूं लै के MLA दे नाल भी गलबात की जाएगी। हालांकि महिला सरपंच ने इस नूं लै के जिक्र जरूर किया है कि जिहड़े रहिंदे अधूरे काम ने उन्हां नूं पूरा किया जाएगा, पर हुण 2 साल का समा अगर गल करिए सरकार दा हैगा, 2 साल दे समय दौरान किस तरीके दे नाल कामकार हुंदा है आने वाला समा दसेगा। लुधियाणा तो रजिंदर अरोड़ा, न्यूज़ 18।